हमारे लिए आज की तलावत यूनुस नबी की किताब उसका तीसरा बाब पहली ता दसवीं आयत। और यूनुस ने दूसरी बार खुदावन का कलमा पाया, उसने कहा कि उठ शहर अज़ीम नैनवा को जा और उसे उस बात से आगाह कर दे जिसका मैं तुझे हुक्म देता हूँ। तब यूनुस खुदावन के कहे के मुताबिक उठकर नैनवा को गया। बस नैनवा एक नहायत बड़ा शहर था, उसके मुसाफत 3 दिन की राह थी। और यूनुस शहर में दाखिल होकर 1 दिन की राह जाने लगा और वह वाज करते हुए कहता था कि 40 दिन के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। और नैनवा के बाशिंदे खुदा पर ईमान लाए और रोज़े का ऐलान करके सब के सब क्या अदना क्या आला टाट से मुलब्बस हुए। और ये बात शाह नैनवा को भी पहुंच गई तो उसने तख्त से उठकर शाही लिबास उतार डाला और टाट ओढ़ कर राख पर बैठ गया और फरमान सादर किया कि बादशाह और अरकान दौलत के हुक्म से नैनवा में ये ऐलान हुआ कि कोई इंसान या हैवान या गाय बैल या भेड़ बकरी ना कुछ चखे ना खाए और ना पानी पिए, अलावा इसके इंसान व हैवान टाट ओढ़ें और खुदावन के हजूर गरियावजारी करें और हर एक अपनी बुरी रविश और अपने हाथ के जुल्म से तोबा करे, शायद खुदा अपना इरादा बदले और पछताए और अपने कहरे शदीद से बाज आए और हम खलाक ना हों। जब खुदा ने उनकी हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रविश से तायब हो गए हैं तो खुदा उस अजाब से पछताया जो उसने उन पर लाने को कहा था और उसे नहीं लाया। पाकलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो।